के लिए ईएल इंटर करिए। इसमें करना क्या है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस डिफाइन करना है आपको, तो इसीलिए एक्सिस के लिए टॉर्च मोड ऑन कर लीजिए, अंडाकार शेप बनेगा इसमें, ठीक है। अगर हैच देना है, हैच के बारे में आपको आइडिया है, तो हैच इंटर करिए। यहाँ से त्रिकोण्स स्केल वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, हैच का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। देखिए हैच के अलावा और भी तो नीचे दो तीन ऑप्शन तो आप बता रहा हूँ। नेक्स्ट है बाउंड्री, बाउंड्री के लिए व्यू इंटर करते हैं, वो बताएंगे आगे। ग्रेडियंट क्या है, हैच के अंदर ही ग्रेडियंट होता है। वैसे कलर फिल कलर फिल के लिए, ठीक है। इसमें एडिट करना है तो हैच एडिट, हैच ही इंटर करिए, इसको सेलेक्ट करिए। आ गया बैक विंडो फ्रंट वाला हैच हो रही है, लेकिन दोनों आ गए। अब हम चलते हैं मॉडिफाइड लोअर पर। इसमें पहला ऑप्शन है मूव का, हम यही जाने देते हैं। मूव के लिए क्या करना है, एम इंटर करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इंटर। कोई भी बेस पॉइंट पिक करना है आपको, कहीं से भी पिक कर लीजिए, जहां रखना है वहां रख लीजिए, ठीक है। कॉपी, कॉपी के लिए सी को इंटर करिए, इसको सेलेक्ट करिए, इंटर करिए। जितने कॉपीज चाहिए उतने कॉपीज आप ले सकते हैं, जहां जहां रखना है वहां वहां क्लिक कर दीजिए। रोटेट पे आते हैं, रोटेट के लिए क्या करना है, आर को इंटर करते हैं, उसको सेलेक्ट करके इंटर, बेस पॉइंट डिफाइन करिए, रोटेट कर लीजिए। जितने डिग्री का एंगल देना है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आर को इंटर सेलेक्ट किया, इंटर, बेस पॉइंट डिफाइन किया, एंगल दे दिया 30 डिग्री, 30 इंटर, 30 डिग्री पर बेंड हो गया, ठीक है। क्या है प्लेन मिरर में क्या होता है कि आपका फेस और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा इमेज उतना ही पीछे बनेगा। मिरर के लिए एमआई इंटर करिए, इसको सेलेक्ट करिए, इंटर करिए, एक्सिस डिफाइन करिए, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल डिफाइन करते हैं क्लिक करिए, आपसे पूछेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, अगर इसको इरेज करना है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। के बाद आता है स्केल, इसके साइज को बड़ा छोटा करने के लिए, यानी रीसाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को। स्टेज बताता हूँ अभी, अभी स्केल पे आइए। स्केल के लिए एससी इंटर करिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, इंटर करिए, सेंटर पॉइंट डिफाइन करिए, ये आ गया। इसको बड़ा छोटा करना है तो आप स्केल फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो। मान लीजिए दोगुना करना है तो 2 इंटर करिए, ट्वाइस हो जाएगा। अगर आपके पास कोई रेफरेंस लाइन है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मान लीजिए ये है तो आप एस सी इंटर करिए, इसको सेलेक्ट करिए, इंटर करिए, बेस पॉइंट डिफाइन करिए, रेफरेंस के लिए आर इंटर करिए, फिर इसको ऑब्जेक्ट के स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पर क्लिक किया और इसको ड्रैग करके रेफरेंस लाइन के एंड पे क्लिक कर दिया, ये आ गया, ठीक है। क्या है, दो ऑब्जेक्ट अगर दो लाइन है, इंटरसेक्टर लाइन है, यहाँ पर आप ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए 22 के बाद ये दिया है, सिंगल लाइन में ट्रिम हो जाता है। फिलिप कमांड क्या है, अगर आपके पास हमने एल बना लिया 30-30 का, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको टीटीआर वाला ऑप्शन बताया था कॉर्नर पे रेडियस करने के लिए, तो आप फिलिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एफ इंटर, आर इंटर, रेडियस की वैल्यू दे दीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको 5 चाहिए तो 5 इंटर। अब यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शन आता है, पॉलीलाइन, रेडियस, रेडियस तो हमने इस्तेमाल कर ही लिया, ट्रिम, नो ट्रिम और मल्टीपल। मल्टीपल के लिए एम इंटर होता है, जहाँ पे बहुत सारी जगहों पर अगर करना है तो
अभी अपने को मल्टीपल का ऑप्शन चाहिए नहीं, सिंपल क्लिक कर दिया हो गया। इंटर आर इंटर रेडियस 5 इंटर ट्रिम के लिए टी इंटर। अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि कॉर्नर ट्रिम नहीं हो तो नो ट्रिम का ऑप्शन ले लीजिएगा, तो कॉर्नर ट्रिम नहीं होगा, ये तो सिलेक्ट है। अब ट्रिम के अंदर एक्सटेंड भी है। एक्सटेंड क्या है, अगर कोई लाइन आपके पास है जो छोटी रह गई, यहाँ तक आपको एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड के लिए करना क्या है, ईएस डबल इंटर करिए, इसको क्लिक करिए, एक्सटेंड हो गया, वहां तक वो पहुंच गया। ट्रिम के अंदर चैम्फर है और ब्लेंड कर्व्स है। चैम्फर क्या है, कॉर्नर कट, क्लिक में रेडियस देगा उस पर कट कर देगा। चैम्फर के लिए सी एच ए इंटर करिए, उसके बाद डिस्टेंस के लिए डी इंटर करिए, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस डिफाइन करिए, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस डिफाइन करिए और इस लाइन पे क्लिक करिए। अभी नो ट्रिम का ऑप्शन है इसलिए नो ट्रिम दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कॉर्नर ट्रिम करना तो सी एच ए इंटर डी इंटर, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, देन टी इंटर और फिर ट्रिम, यानी कॉर्नर ट्रिम हो जाना चाहिए। कॉर्नर ट्रिम हो गया।